सुल्तानपुर में बल्दीराय थाना इलाके के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वैन का टायर फट गया और वैन पलट गई। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमेठी में तिलोई विधानसभा इलाके के टिढ़ुई गांव में मतदान करने आए दिव्यांग प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के साथ ड्यूटी पर तैनात संजीव कुमार गुप्ता ने मतदान करने के बाद विद्यालय परिसर से बाहर अभद्रता करते हुए अपमानित किया। पीड़ित ने सुरक्षा कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अमेठी में नौना थाना इलाके के नोती दुबे के पुरवा के पास अज्ञात पुरुष का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जौनपुर में एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने कोतवाली प्रभारी तारकेश्वर राय को पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव हत्याकांड के चलते लाइन हाजिर कर दिया और कोतवाली सायगंज में सर्विलांस सेल प्रभारी मनोज ठाकुर को प्रभारी बनाया है। जौनपुर में बक्सर थाना पुलिस ने अपहरण के वांछित अभियुक्त धर्मेंद्र गौतम को महावीर मार्ग तिराहे से गिरफ्तार करते हुए जेल रवाना किया। जौनपुर में थाना केराकत पुलिस ने चोरी के माल के साथ दो अभियुक्त प्रांजल विनय को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। जौनपुर में लाइन बाजार थाना पुलिस ने दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त कृष्ण मुरारी मिश्रा को अम्बेडकर तिराहा के पास से गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के सामने पेश किया। बरेली में थाना फतेहगंज पश्चिमी एनएच 24 पर बलिया पुल के पास फ्लाईओवर से बस नीचे गिर गई। बस में सवार दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटनास्थल पर मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में शांति नगर की काशीराम कॉलोनी में लाइन पटरी के किनारे 11वीं क्लास की छात्रा काव्या अवस्थी का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कौशाम्बी के मानिकपुर मीरगढ़ गांव में बीजेपी को वोट न करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दलित समाज के लोगों को उनके घर में घुसकर पीटा, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मध्य प्रदेश में ललितपुर के सोलदा गांव में डीएम अक्षय त्रिपाठी की कोशिशों से 100% मतदान हो सका, जो कि देश में एक इतिहास बन गया है। आपको बता दें कि डीएम ने मतदाता का 18,000 का फ्लाइट का टिकट कराकर आखिरी मतदान करने के लिए बुलाया। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नीश और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।